अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं काशिफ़ AIOU चैनल। पर न्यू सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BS कोर्स है हमारे पास कुरानिक अरबिक कोड है 1952 सेमेस्टर खिज़ा 2021 का पेपर है। इसकी मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे सिर्फ इसके दो पेपर मिले हैं। मुझे सिर्फ एक 21 का मिला है, एक हमारे पास 22 का मिला है। इधर से आप लोगों को पेपर सैंपल का तो कम अज़ कम पता चल जाएगा, उसके बाद हो सकता है कुछ सवालात भी रिपीट हो जाएं। अगर 5 साल का पेपर हो तो फिर तो मैं कह देता कि सारा का सारा पेपर इधर से ही आएगा। लेकिन जो अभी हमारे पीछे पेपर गुजर रहे हैं वो तकरीबन जो हमारे 2-3 साल के गुजरे हुए पेपर हैं उन्हीं में से पेपर आ रहा है तकरीबन। तो इसमें हमारे पास हमने 5 क्वेश्चन इसमें से हल करने होंगे और तकरीबन हमारे पास 8 सवालात होंगे। इसमें हमारे पास पहला सवाल है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग अरबिक सेंटेंस। ये हमने अरबिक सेंटेंस हैं हमारे पास, इनको हमने इंग्लिश में करना होगा हमने। उसके बाद फिर हमारे पास नीचे जुज नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमने खाली जगह पूर करनी होगी हमने। उसके बाद सवाल नंबर 3 है हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू इंग्लिश। आगे सवाल नंबर 3 है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग अरबिक सिंगुलर इनटू, ये सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग अरबिक सेंटेंस, ये हमारे सवाल नंबर 4 हो गए इधर। उसके बाद फिर इसका दूसरा हिस्सा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका दूसरा हिस्सा है, 8 सवालात हैं हमारे पास ये, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट, ये हो गया। उसके बाद है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश। उसके बाद फिर सवाल नंबर 7 हो गया, ये भी ऐसे ही है, सेंटेंस इनटू इंग्लिश। उसके बाद सवाल नंबर 8 है हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अरबिक लैंग्वेज, ये सारे हमने अरबी में ट्रांसलेट करने होंगे। ये तो हो गया हमारे पास 2021 का पेपर। अभी मैं आप लोगों को अगला पेपर दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा सेमेस्टर खिज़ा 2022 का पेपर है ये। इस पर हम देख सकते हो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इसम की अलामत बयान करते हुए हर एक अलामत की अरबी मिसाल माँ उर्दू या अंग्रेज़ी तर्जमा तहरीर कीजिए, सवाल नंबर 1 है। ये पेपर मुझे इस हालत में मिला था इसलिए मैंने इसको इस हालत में ही ले लिया है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मरकब अददी का मफहूम और इज़ा बयान करते हुए मरकब अददी पर मुश्तमिल मुदरदिल मिसालों का अंग्रेज़ी या उर्दू तर्जमा तहरीर कीजिए। उसके बाद फिर हमारे पास है नीचे सवाल नंबर 3 है हमारे पास, कुतब यकतब से फ़ाल मुजारा मजऊल की गर्दान उर्दू या अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, जुमलाए इस्मिया की तारीफ़ और इसके इज़ा की निशानदेही करते हुए मुदरदिल इस्मिया जुमलों का उर्दू या अंग्रेज़ी में तर्जमा कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 5 है हमारे पास, फ़ाल नहीं की तारीफ़ करते हुए, ये मुझे ठीक से आगे समझ में नहीं आ रहा है, कतला या फिर यफ्तला है कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा और मेरी अरबी उस तरह है भी नहीं, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना जो ठीक मुझे ना आ रही हो। इसका भी अंग्रेज़ी या उर्दू तर्जमा है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, इसम तफसील का मफहूम बयान करते हुए मुदरदिल अल्फाज से इसम ये आगे क्या लिखा हुआ है, तकजील कुछ ऐसा लिखा, मुज़क्कर और मुअन्नस बनाकर इनका उर्दू या अंग्रेज़ी तर्जमा तहरीर करें, ये हो गया सवाल नंबर 6। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 है, फ़ाइल माजी के करीब की तारीफ़ करते हुए अलशार, आई थिंक ये लिखा हुआ है अलशार क्योंकि पेपर ठीक से नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुसद्दर से फ़ाल माजी करीब की गर्दान उर्दू या अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ लिखिए। आखिरी हमारा सवाल नंबर 8 है, मुदरदिल जुमलों का उर्दू या अंग्रेज़ी में तर्जमा कीजिए। ये दो पेपर थे जो मेरी टूटी फूटी अरबी थी मैंने इसमें शेयर कर दी है मैंने, हो सकता है आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। आज की वीडियो इतनी थी, अल्लाह हाफिज़।